हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे डेली एनालिसिस को फॉलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। तो चलिए देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसा कामकाज हो सकती है। तो दोस्तों, पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक करें, बेल आइकन के ऑल पे जरूर क्लिक कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं, पहले देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, कॉल अब हम तब बाय करेंगे। आप लोग ये लेवल देख सकते हैं 41,646 का जो ये लेवल है, अगर कल के दिन मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होती है, यानी कि 100 से लेकर 125 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद यहाँ पे कम से कम 915 से लेकर के 945 तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, उसके बाद हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। इसमें कंडीशन होंगी दो, या तो मार्केट थोड़ी सी फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए और यहाँ पे कम से कम 2-3 टाइम रिट्रेस पे रिट्रेस करनी चाहिए और उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट करेगी और यहाँ पे जब 9:15 से लेके 9:30 तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी, हमारी एंट्री जो होगी 9:35 पे यहाँ पे एंट्री होगी कॉल साइड के तरफ। और टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट यहाँ पे रह सकती है 200 से लेके 250 पॉइंट का टारगेट रह सकती है कॉल साइड के तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी के अंदर हम पुट कब बाई करेंगे। दोस्तों तो आप लोग ये लेवल देख सकते हैं 41,476 का जो ये लेवल है, अगर ये कल के दिन ब्रेक डाउन कर जाएगी या फिर मार्केट जो है थोड़ी सी गैप डाउन खुलेगी यहाँ पे और उसके बाद कम से कम यहाँ पे 30 मिनट टाइम स्पेंड करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट गैप डाउन कल खुलती है तो यहाँ पे कम से कम 30 मिनट जो है टाइम स्पेंड करनी चाहिए और उसके बाद हमारी जो एंट्री होगी यहाँ पे 9:50 पे यहाँ पे एंट्री होगी पुट साइड की तरफ। इसमें भी कंडीशन दो होगी, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, सपोज करिए अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो इस जोन के हम ये जो जोन है इसके अंदर हमें पुट का एंट्री या कॉल का एंट्री नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे कम से कम ये जो लेवल है, अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुलती है और यहाँ पे कम से कम 30 मिनट टाइम स्पेंड करती है तो हमारी जो एंट्री होगी 9:50 पे हमारी एंट्री होगी। और टारगेट की जो बात करें, यहाँ पे 150 से लेकर 200 पॉइंट का टारगेट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर पुट साइड। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं निफ्टी का क्या हालचाल है। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी का जो सिनेरियो बन रहा है, अब इसके अंदर अब हम कॉल कब बाय करेंगे। तो कॉल जो है, देखिए दोस्तों ये आप लोग लेवल देख सकते हैं 18,104 का जो ये लेवल है, अगर कल के दिन मार्केट कम से कम यहाँ पे 70 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ पे कम से कम 15 मिनट 9:15 से लेकर के 9:30 तक 9:30 तक यहाँ टाइम स्पेंड करेगी तब हमारा कॉल की एंट्री होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें कंडीशन दो होंगी, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है और इस जोन में ये आप लोग जोन देख सकते हैं 18,012 से लेकर के 18,104 का जो ये पूरा का पूरा जोन जो है, अगर इसके अंदर कल के दिन निफ्टी खुलती है तो हमें इसके अंदर ना तो कॉल की एंट्री लेनी है ना तो पुट की एंट्री लेनी है। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ओपनिंग होती है 70 पॉइंट कम से कम गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और यहाँ पे कम से कम 15 मिनट टाइम स्पेंड करनी चाहिए, उसके बाद हमारा 9:35 पे यहाँ पे एंट्री होगी। और टारगेट की बात करें तो ज़्यादा बड़ा टारगेट हमें यहाँ पे नहीं रखना है, कम से कम यहाँ पे 80 से लेके 90 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रह सकती है कॉल साइड के तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब निफ्टी के अंदर हम पुट कब बाय करेंगे। दोस्तों तो आप लोग ये लेवल देख सकते हैं 18,012 का जो लेवल है, या एक हमारा ये साइकोलॉजी का लेवल है, अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुलती है, मान के चलिए कम से कम 80 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुलती है, अगर बड़ा गैप डाउन खुलेगी दोस्तों तो वहाँ पे ट्रैप किए जाएंगे, मार्केट साइडवेज रह सकती है ऐसा लगता है मुझे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जो है पुट की एंट्री या कॉल की एंट्री नहीं बनाएंगे इस लेवल पे। मार्केट जो है 70 से लेके 90 पॉइंट तक अगर गैप डाउन खुलती है और यहाँ पे कम से कम 45 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड करनी चाहिए, हमारी जो एंट्री होगी 10:05 पे एंट्री होगी पुट साइड के तरफ और इसका जो टारगेट हम रह सकता है हमारा कम से कम, यकीन मानिए तो यहाँ पे
100 से लेकर के 80 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रह सकती है पुट साइड के तरफ निफ्टी में। दोस्तों देखिए, ये जो हम लॉजिक आप लोगों को बताते हैं, इस लॉजिक के अनुसार और जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप है, अगर इसको सर्टिफाइड करती है तभी हम कॉल या पुट लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक करें, बेल आइकन के ऑल पे जरूर क्लिक कर ले। अगर आप लोग अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।